हेलो बच्चों, क्लास 8th मैथ न्यू एनसीईआरटी बुक और चैप्टर 8 है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमिकाएं। प्रश्नावली हम करेंगे 8.2। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, निम्नलिखित एक पद युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं बच्चों, उन्हें गुणा करना है। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करेंगे 4,7p, इसको सिर्फ गुणा करना है आपको। तो मैं इसको अलग अलग लिख के आपको आसानी से समझा देती हूँ, क्योंकि गुणनफल है। तो यहाँ लिख लेते हैं 4 × 7, और मैं पी को भी अलग करके लिख लेती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए, गुणा पी। ठीक है, अब नंबर को गुणा करेंगे, 7 × 28, और पी को ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि पी के साथ कुछ भी नहीं है, तो खाली इसका आंसर 28p आ जाएगा। ठीक है, अगला जो इसका पार्ट है सेकेंड वाला, वो है −4p, 7p। तो क्या लिखेंगे बच्चों, −4 × p × 7 × p। अगर आपको इकट्ठा करके समझ आता है तो आप वैसे कर लेना, मैं आपको अलग अलग इसलिए लिख के बता रही हूँ ताकि आप आसानी से समझ जाओ। नंबर को नंबर से गुणा करेंगे और पी को पी से, 7 × 28, और क्योंकि घटा का एक निशान है तो क्या आ जाएगा, −28। और गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं तो पी की घात 2 हो जाएगी, 1 और 1 2। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा −28, पी की घात 2। इसी का थर्ड पार्ट है −4p, 7p³। इसको भी मैं अलग अलग लिख लेती हूँ, −4 × p × 7 × p × q। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, इन सबको मैंने अलग अलग करके लिख लिया नंबर्स को, अब हम इसको गुणा करते हैं। नंबर को नंबर से गुणा करेंगे और पी को पी से और क्यू ऐसे लिखेंगे। तो लिख देंगे 7 × 28, इसमें भी −28 आएगा क्योंकि घटा का एक निशान है। अब जहाँ घात कुछ नहीं होती वहाँ पर एक मानते हैं, तो पी की घात 1 और 1 2, पी की घात 2, और क्यू के साथ कुछ भी नहीं है तो क्यू ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है, आगे है इसी का फोर्थ पार्ट है बच्चों, 4p³, 3p³। अब बच्चों फिर से क्या लिखेंगे, 4 × p³, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ। ठीक है, घात हम बाद में जोड़ लेंगे, और यहाँ पर क्या है, −3 है, दो निशाने इकट्ठे नहीं लगा सकते, तो क्या करेंगे, −3 ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, और फिर −p। अब क्या करेंगे बच्चों, दो निशानों को इकट्ठा नहीं कर सकते, एक को मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया। अब नंबर को नंबर से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 × 12 − 12 आ जाएगा, और यहाँ पर पी की घात 3 है और 1p है, तो पी की घात 3 और 1 4 हो जाएगा, −12 p³ 4। अब यहाँ पर बच्चों कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको लिख के बता देती हूँ। लास्ट क्वेश्चन है इसका, फिफ्थ वाला पार्ट है, 4 × p × 0। किसी भी नंबर में अगर 0 आ जाता है गुणा में तो उसका उत्तर 0 ही होता है। किसी भी नंबर को 0 से गुणा करते हैं तो उसका आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे बच्चों, पहले आप देख लो, नोट डाउन कर लो फर्स्ट क्वेश्चन। इसका प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित एकपदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या कर रखा है बच्चों, यहाँ पे दो दो संख्या दी हुई है। ठीक है, और 5 हमें प्रश्न बना के दिए हैं, यहाँ पर नंबर नहीं डाले हुए, इस तरह से लिखे हुए हैं। अब इसको हल करेंगे हम। ठीक है, तो पहला इसका प्रश्न है पी और क्यू, यहाँ हमें पी लंबाई दी है और क्यू जो है वो चौड़ाई दी है। तो यहाँ पर बच्चों क्या करना पड़ेगा, आयत का क्षेत्रफल पूछा है, आयत का क्षेत्रफल होता है, हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, सब बच्चों को मालूम होगा, बहुत ही आसान होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। बस इन दोनों नंबर्स को, या पी क्यू ए बी जो भी आपको दिया हो, इनको हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो लंबाई क्या है हमारे पास पी, और चौड़ाई क्या है क्यू। जब हम इस तरह से गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, दोनों को इकट्ठा करके लिख देते हैं, बस इसका गुणा करने का तरीका यही है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, पी क्यू, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें मीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं बताया गया है, तो इसको क्या लिख देंगे बच्चों हम, वर्ग इकाई। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट है बच्चों, 10m, 5n, इसको भी हम क्या करेंगे, जैसे हमने आयत का क्षेत्रफल ऊपर निकाला है उसी तरह से इसको हल करेंगे। तो हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुणा चौड़ाई, या फिर आप लिख सकते हो l × b। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंग्लिश में बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे 10m × 5n। ठीक है, अब इसको गुणा कर लो, 10 × 50, और क्या हो जाएगा, mn। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 10 × 50 m और n, और फिर क्या लिख देंगे बच्चों, क्योंकि हमारे को कुछ भी नहीं बताया गया है, वर्ग सेंटीमीटर है या मीटर है, तो यहाँ लिख देंगे वर्ग इकाई। तो ये हो गया बच्चों सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट।
अब थर्ड पार्ट करेंगे इसका। इसका थर्ड पार्ट है बच्चों 20x की घात 2 और कॉमा 5y की घात 2। ठीक है, तो फिर से लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर है एल इंटू बी, और यहाँ लिख देंगे 20x की घात 2 गुणा 5y की घात 2। अब नंबर को नंबर से गुणा कर लो बच्चों, 20 पंजे 100 होता है। ठीक है, 20 पंजे 100 और x की घात 2 और y की घात 2। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखनी है। अब आप लिखना चाहो तो यहाँ पे वर्ग इकाई लिख सकते हो, वरना ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर को नंबर से गुणा कर दो और एक्स वाई जो भी दिया है उसको ऐसा कैसे लिख दो। ये है इसका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट करेंगे बच्चों। इसका चौथा पार्ट है 4x, 3x की घात 2। सेम ही रहेगा बच्चों, आयत का क्षेत्रफल लिखना है और फिर क्या लिखना है, लंबाई गुणा चौड़ाई या एल इंटू बी, जो आपको ठीक लगे वो लिखना। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, और हमें क्या मान दिया गया है इसका, इसका मान दिया गया है 4x गुणा 3x की घात 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, नंबर को नंबर से गुणा कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा 4 × 3 = 12 और x की घात 3, क्योंकि x की घात 2 है और x की घात 1 है, दोनों को जमा कर देंगे, गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12x की घात 3 वर्ग इकाई। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट करेंगे बच्चों। फिफ्थ पार्ट है बच्चों 3mn, 4np। अब फिर से लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई या एल इंटू बी। हमारे पास एल क्या दिया है, 3mn × 4np। अब नंबर को नंबर से गुणा कर लो, 3 × 12, यहाँ लिख दूंगी 3 × 12, एम एक बार है तो एम लिख देंगे, एन यहाँ पर 2 बार है, ठीक है, तो n की घात 2 लिख देंगे, और पी भी 1 बार है तो पी 1 ही बार लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देंगे वर्ग इकाई। तो ये था बच्चों आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।